तो हम सरदार हैं, हम सरदार ही लगाए हुए, जब चोरी हो रहा है तो हम उसके सरदार हुए। मैंने जो कहा है मैं उस पर कायम हूँ, मैं अपने बयान में कोई संशोधन नहीं कर रहा हूँ, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। नमस्कार, मैं हूँ नमन अग्रवाल और आप देख रहे हैं BeforePrint.in। बिहार सरकार में RJD कोटे से कृषि मंत्री बने सुधाकर सिंह ने अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कृषि विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर मंत्री ने नीतीश सरकार की पोल खोल दी है। पिछले दिनों सुधाकर सिंह ने कैमूर में एक सभा के दौरान कहा था कि उनके विभाग के अधिकारी चोर हैं और वे चोरों के सरदार हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि उनके ऊपर भी कई सरदार मौजूद हैं। मंत्री के इस बयान के बाद अब बिहार की सियासत तेज हो गई है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने आज एक बार फिर कहा कि वे अपने बयान पर पूरी तरह से कायम हैं और उसमें कोई संशोधन नहीं करने जा रहे हैं। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुन लीजिए। कहा विवाद है, कहां कोई विवाद है, किसी ने कोई विवाद कहा सिवा मीडिया के अलावा किसी को लगा कि विवाद है? आपने बताया कर्मचारी को चोर बताया, फिर मैं कहा ना किसी को विवाद लगा, कोई कर्मचारी आपसे आके कहा, कोई राजनेता कहा, ये मीडिया के लोगों को लगता है कि विवाद है, बाकी किसी को नहीं लगता। आश्चर्य लगता है कि आपको अफसर जो थे वो पहले बात नहीं सुनते थे, ये बात ऐसी है, इस बात को आप मानते हैं? मैं इस विषय पर बोल चुका हूँ, डिटेल बोला हूँ, फेसबुक लाइव है, उसमें आप निकाल लो, वीडियो कट करके तो चला ही रहे हो, उसी में से कुछ और निकाल लो जो होना है, अलग क्या बोलना है इसमें? हमको क्यों दर्द होगा, कहीं दर्द नहीं है, ये जो लोग भ्रम में है कोई दर्द नहीं है। हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम जनता की बात सुनते हैं और जनता की बात रख देते हैं सीधे सीधे। अब सरकार के तौर पे भी जरूर मैं आ गया हूँ, तो जो करने लायक होगा करेंगे और जो नहीं होने लायक होगा वह भी कह देंगे जनता से, जनता निर्णय ले लेगी। मैं जो कुछ भी बोला हूँ वह रिकॉर्डेड है, मैं अपने बयान में कोई नया चीज नहीं जोड़ना चाहता, ना ही अपने बयान में कुछ काटना चाहता हूँ। कार्रवाई होगी जो चोरी करते मैं अभी सब कुछ बोला हूँ। चलिए जो चोरी करते अरे चला जो कार्रवाई करेंगे करेंगे। नई सरकार में मंत्री बने RJD के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने आज एक बार फिर साफ लहजे में कह दिया कि उन्होंने जो बयान दिया था वे उस पर पूरी तरह से कायम हैं। उन्होंने कहा कि वे अपने बयान में कोई भी संशोधन नहीं करने जा रहे हैं, जिसको जो समझना है समझते रहे। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है और वे जनता के सवालों पर हमेशा लड़ते रहेंगे। सुधाकर सिंह ने कहा कि राज्य में जो स्थिति है उसी को बोला है, मैं अपने बयान पर अडिग हूँ, इसके अलावा मुझे कोई सफाई नहीं देनी है। दरअसल कैमूर के चांद प्रखंड में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा था कि उनके विभाग के लोग चोर हैं और वे उन चोरों के सरदार हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके ऊपर भी कई सरदार मौजूद हैं। उन्होंने कहा था कि सरकार वही पुरानी है, इसके चाल चलन भी पुराने हैं, हम लोग तो कहीं कहीं हैं, लेकिन जनता को लगातार सरकार को आगाह करना होगा। कृषि मंत्री इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने मंच से जनता को संबोधित करते हुए बिहार राज्य बीज निगम पर भी गंभीर आरोप लगाया था। सुधाकर सिंह ने कहा था कि जिन किसानों को धान की अच्छी खेती करनी होती है वे बिहार राज्य बीज निगम से धान का बीज नहीं लेते हैं, अगर किसी कारणवश ले भी लेते हैं तो उसे अपने खेतों में नहीं डालते हैं। बीज निगम वाले किसानों को राहत देने की जगह पर 100 से 150 करोड़ रुपए की चोरी कर लेते हैं। उन्होंने बिना नाम लिए चैनपुर से विधायक रहे और बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि इससे पहले भी सरकार में यहाँ एक मंत्री रह चुके थे, उसके बावजूद यहाँ के लोगों की स्थिति जब नहीं बदली तो उन्हें मंत्री बनाया गया। सुधाकर सिंह ने कहा था कि कैमूर जिले में भ्रष्ट अधिकारी भरे पड़े हैं, हमारे विभाग का कोई ऐसा अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता होगा, इस तरह से हम चोरों के सरदार हुए। अगर आप पुतला फूंकते रहिएगा तो मुझे याद रहेगा कि किसान मुझसे नाराज हैं, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा सब चीज ठीक चल रही है। उन्होंने कहा था कि हम ही अकेले सरदार नहीं है, हमारे ऊपर भी कई लोग हैं। हमको तो नहीं लगता कि बीज निगम के बीज को किसान खेतों में लगाता है,
और लगाता होगा तो इस सोचता होगा चलो कुछ नहीं पैदा होगा तो लगा लेता होगा, लेकिन जिसको पैदा करना हो तो नहीं लगाता है। ये सारे 150-200 करोड़ रुपया यह भी खा जाता है बीज निगम वाला। कोई ऐसा हमारे विभाग में अब नहीं है जो चोरी नहीं करता, तो चोरों का हम सरदार हैं। अब सरदार ही लगाए हुए, जब चोरी हो रहा है तो हम उसके सरदार हुए। तो आप कम से कम पुतला उतला फूकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है मेरे से, और नहीं फूकना बंद करिएगा तो यही लगेगा कि नहीं सब ठीक चल रहा है। तो ये मैं आपको कह देता हूँ, लोहिया जी ठीक ठाक गए थे, जब संसद आवारा हो जाए तो जनता को सड़कों पर उतरना चाहिए। मैं एक ज्यादा नहीं, मैं एक लाइन में, मैं बहुत बयान देने नहीं आया हूँ, कार्यक्रम में आया हूँ। मैंने जो कहा है मैं उस पर कायम हूँ, मैं अपने बयान में कोई संशोधन नहीं कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। फिर बात सवाल वही, बाकी चीज़ आप जानते हैं, फेसबुक लाइव पे देखे हैं, जो मर्जी आपको चलाना है चलाइए, मैं अपने बयान पर कायम हूँ, मैं अपने बयान में कोई संशोधन नहीं कर रहा हूँ, मैं जनता ने मुझे चुन के भेजा है, मैं जनता के सवाल पर लड़ता रहूँगा, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।